नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी अपने चरम पर है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी प्रकार की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। वहीं पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल राज्य में पहली बार राज्य मुख्यालय में मतदाताओं के शिकायत और सुझाव को लेकर इसके लिए आयोग ने एक टोल फ्री नंबर 1800-3457-243 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके राज्य के किसी भी कोने के मतदाता अपनी शिकायत या सुझाव से आयोग को अवगत करा सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर अब काम भी करने लगा है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग इस नंबर पर आने वाली सभी शिकायतों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग भी कर रहा है। इसके साथ ही उन समस्याओं का समाधान भी कराया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए मतदाताओं को अधिक सशक्त बना दिया है। मतदाता वार्ड, पंचायत, पंचायत समिति और जिला पार्षद के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत को सीधे आयोग के पास पहुंचा सकते हैं। मतदाताओं को प्रखंड स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर पर कोई अधिकारी यदि शिकायतों का निपटारा नहीं करता है या उसमें विलंब होता है तो वो सीधे आयोग के टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग को टोल फ्री नंबर से मिलने वाली हर शिकायत को रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। इसी प्रकार ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायतों का भी रजिस्टर बनाया गया है। प्रतिदिन मिलने वाली शिकायतों का आयोग जांच कराता है और साथ ही जिलों को उसे दूर करने का निर्देश भी देता है। फिलहाल आयोग द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर दो प्रकार की गतिविधियां पूरे राज्य में चलाई जा रही हैं। इनमें मतदाता सूची और बूथों के गठन की तैयारी है। टोल फ्री नंबर जारी होने के बाद न सिर्फ मतदाताओं को बल्कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले करीब 8 लाख से अधिक प्रत्याशियों को भी अपनी बात सीधे आयोग तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। वहीं बिहार में पंचायत चुनाव 2021 को लेकर 25 फरवरी से ₹2 प्रति पृष्ठ मतदाता सूची उपलब्ध होगी। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालयों में स्थानीय मतदाता सूची उपलब्ध होगी। आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकेगा। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को 19 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करने का निर्देश दे दिया है। इसके पूर्व 14 फरवरी तक मतदाता सूची में नए नामों को शामिल करने पर आयोग का अनुमोदन लेना होगा। आयोग के अनुसार सभी जिलों में 24 फरवरी तक मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बिहार में इस बार पंचायत चुनाव 9 से 10 चरणों में संपन्न होंगे। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही पंचायत चुनाव का शेड्यूल राज्य सरकार को भेजा जाएगा। वहीं बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची और मतदान केंद्र की संख्या निर्धारित होने के बाद ही पंचायत चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बताते चलें कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के तहत 2,58,000 पदों के लिए चुनाव कराए जाने हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।